ব্যাংকি বাংলা এরা বাংলার ভালো চায় না এরা বাংলার ভালো চায় না এরা বাংলার ভালো চায় না লজ্জা করে না একটা বাজেট পড়তে দিতে চান না কি কথা বলেন বক্তৃতা বলবেন এটা বিজেপি পার্টি অফিস নয় এটা অ্যাসেম্বলি। ये जो वीडियो अभी आपने देखा वो था वेस्ट बंगाल के बजट सेशन के दौरान का वीडियो। जब वेस्ट बंगाल में बजट सेशन प्रेजेंट किया जा रहा था तो उस समय पे ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा भड़क गई, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा। आप वीडियो में देख सकते हो कि आउट ऑफ कंट्रोल वो हो सकती थी। अब वैसे तो वीडियो का जो टाइटल था जो जी न्यूज़ ने अपलोड किया हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि जय श्री राम के नारे के कारण ममता बनर्जी जी भड़की थी, लेकिन जब मैंने ऐसा सर्च किया तो ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। हालांकि मुझे ये पता चला कि जब वेस्ट बंगाल का बजट प्रेजेंट किया जा रहा था तो उस समय पे जो बीजेपी के नेता वगैरह थे विधानसभा के अंदर, तो उन्होंने हंगामा किया और उस कारण से ममता बनर्जी जी आग बबूला हो गई, गुस्सा हो गई। अब अगर ये बात सही है कि जय श्री राम के नारे लगे थे और उसके बाद ममता बनर्जी जी भड़क गई थी, गुस्सा हो गई थी, तब इससे रिलेटेड मेरे पास कुछ और वीडियोज है जो कि आई थिंक एक दो साल पहले के वीडियोज है। जब ममता बनर्जी जी उत्तर प्रदेश में आई थी तो वहां के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने जय श्री राम के इतने नारे लगाए थे कि ममता बनर्जी जी वहां पे भी आग बबूला हो गई थी। हालांकि वहां पे वो कुछ बोल नहीं रही थी, बट जिस तरीके से वो देख रही थी, हमने बहुत देखा, ज्यादा गुंडागर्दी हमारा साथ मत करो जोगी जी। देखो जय सियाराम स्लोगन में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो, सिया माता को नाम नहीं बोलता, सीता माता का नाम नहीं बोलता, आप बोलता है जय श्री राम, वो नहीं है, जय सियाराम है। अच्छा बात कह रहे हो, और हमको सिखाना नहीं है। अब देखिए, अगर विधानसभा के अंदर हंगामा होता है तो वो गलत बात है, क्योंकि उससे जो विधानसभा है उसका समय बर्बाद होता है। विधानसभा में नेता पहुंचे हैं क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में डिस्कशन किया जाए, उसके सॉल्यूशंस निकाले जाए, जो बजट है उसको प्रेजेंट किया जाए, लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए। बट अगर वहां पे इन सबको छोड़कर हंगामा हो रहा है तो बिल्कुल गलत बात है। सभी लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी जी भारतीय जनता पार्टी से कितना ज्यादा चिढ़ती है। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐप के बारे में जिसका नाम है नेक्स्ट लेवल। और ये जो नेक्स्ट लेवल ऐप है ये आपको हेल्प करता है एक अच्छी जॉब लेने में। सभी लोग चाहते हैं कि उनको एक हाई सैलरी जॉब मिले और इसमें आपकी हेल्प करता है नेक्स्ट लेवल। ये एक ऐसा ऐप है जो आपको अपने सेक्टर के टॉप प्रोफेशनल से कनेक्ट करता है, इसके साथ साथ ये आपको टॉप कंपनीज से भी कनेक्ट करता है। इस ऐप को यूज करना बहुत आसान है। मान लीजिए आपके पास आपका अपना रिज्यूमे है तो आप इस अपने रिज्यूमे को अपलोड करोगे, ये ऑटोमेटिक आपके रिज्यूमे से जितने भी कनेक्टेड फील्ड्स हैं उन सबको आपको सजेस्ट कर देगा। अगर आपने अपना रिज्यूमे नहीं बनाया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप अपने फोटो, अपने डिटेल्स को ऐड करो, एप्लीकेशन फिल करने के बाद जितने भी आपके कनेक्टेड फील्ड्स होंगे ये आपको सजेस्ट कर देगा। आप यहाँ पे 500 से भी ज्यादा कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा जॉब ओपनिंग्स है। अगर आप टेक्निकल फील्ड से आते हो तो आपके लिए यहाँ पे 10 लाख से लेकर 30 लाख पर एनएम वाले जॉब्स अवेलेबल है। और अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो तो आपके लिए यहाँ पे 5 से लेकर 25 एलपीए तक के जॉब्स अवेलेबल है। नेक्स्ट लेवल ऐप के ऊपर आपको बहुत सारे टॉप कंपनीज मिलेंगे, जैसे कि पेटीएम हो गया, प्लम हो गया, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज नेक्स्ट लेवल ऐप के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पे आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत सारे जॉब ऑप्शंस उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके साथ साथ आपको रिकमेंडेशंस भी मिलते रहेंगे। यहाँ पे आप अपना शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर सकते हो ताकि जो रिक्रूट करने वाले लोग हैं वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सके। इसके साथ साथ जो रिक्रूटर्स हैं उनके साथ भी आप डायरेक्टली चैट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इस ऐप के थ्रू अप्लाई किया और उनको 15 दिनों के भीतर ही जॉब मिल गया। इसके साथ साथ यहाँ पे वीकली कॉन्टेस्ट भी चलता है जहाँ पे कि आप पार्टिसिपेट करके अपने आप को एंगेज रख सकते हो, और उस कॉन्टेस्ट में जीतने वाले व्यक्ति को आईपैड भी मिलता है। तो जाइए और रजिस्टर कीजिए नेक्स्ट लेवल पे और अपने स्किल्स के बेसिस पे एक अच्छा सा जॉब पाइए। इसका जो लिंक है वो मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, चेकआउट जरूर करना। सभी लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी जी भारतीय जनता पार्टी से कितना ज्यादा चिढ़ती है। उनका आई थिंक कुछ सप्ताह पुराना वीडियो है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें और इस पे थोड़ा अपना प्रतिक्रिया दें। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। हे लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो बसते हैं, वो काम करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। जय श्री राम। पालाची खेलो,
বাজেট পেশ হওয়ার পর যদি বিরোধী দলের কোনো বক্তব্য থাকে, তাদের স্বাধীনতা আছে, তারা সেটা নিয়ে বলতে পারে, মতামত ব্যক্ত করতে পারে, আলোচনা করতে পারে, কিন্তু এটা বিজেপি পার্টি অফিস নয়, যে বিজেপি রাজনীতি এখানে চলবে। মানুষের জান বা অধিকার আছে, আমরা কি কাজ করছি, মানুষের জান বা অধিকার আছে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কি আছে, আমরা ধিক্কার জানাই এই রাজনীতি, নোংরা রাজনীতি, ধিক্কার জানাই, ধিক্কার জানাই, ধিক্কার জানাই। এরা রাজ্য বিরোধী, এরা অ্যান্টি বেঙ্গলি, এরা অ্যান্টি বাংলা, এরা অ্যান্টি বাংলা, এরা অ্যান্টি বাংলা, এরা বাংলার ভালো চায় না, এরা বাংলার ভালো চায় না, এরা বাংলার ভালো চায় না। লজ্জা করে না একটা বাজেট পড়তে দিতে চান না, কি কথা বললেন, বক্তৃতা বলবেন, এটা বিজেপি পার্টি অফিস নয়, এটা অ্যাসেম্বলি, আপনারা বসুন, এটা অ্যাসেম্বলি, ঠিক আছে আপনারা বসুন, প্লিজ বসুন। কে আর এলো স্যার, দেশুটি মেম্বার 147 জন এমপি কে সাসপেন্ড করেছিল পার্লামেন্ট, 147 জন এমপি কে সাসপেন্ড করেছিল পার্লামেন্ট। আমরা সে পদে যেতে চাই না, মনে করিয়ে দিলাম, তুমি দুর্বল হতে পারো, আমি দুর্বল নই, আমরা লড়াই করে যাব, আর ক্ষমতা থাকলে বাজেটের পরে তুমি বলবে, বাজেটের আগে নয়। যতক্ষণ সে বসুন, আপনারা বসুন, স্লোগান চলবে বলবে না, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ममता बनर्जी जी कितना ज्यादा भड़की हुई रहती हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के ऊपर या उनके लोगों के ऊपर। अब वेस्ट बंगाल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आया जिसके ऊपर की कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है। मैं सामने आपके स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ, इस आर्टिकल को आप पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है। वुमेन इनमेट्स गेटिंग प्रेग्नेंट, 196 बेबीज बॉर्न इन जेल, कैलकटा हाईकोर्ट रेजेस कंसर्न ओवर कंडीशन ऑफ फीमेल प्रिजनर्स इन बंगाल जेल्स। वेस्ट बंगाल के अंदर जो जेल है वहां पे जो फीमेल्स हैं वो प्रेग्नेंट हो रही हैं और अभी तक जेल के अंदर 196 बच्चे पैदा हो चुके हैं। अब आप सोचिए कोई महिला जेल के अंदर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, ये बहुत बड़ी बात है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, पचास नहीं, 196 बेबीज अभी तक बॉर्न हो चुके हैं। और इस कारण से कोर्ट का कहना है कि जो मेल स्टाफ होते हैं उनको बैन किया जाए, वो अंदर ना जा पाए। इसके साथ साथ जिन महिलाओं को जेल में डाला जा रहा है उससे पहले उनका प्रेगनेंसी टेस्ट हो कि वो पहले से तो कहीं प्रेग्नेंट नहीं है। जब तक इसके ऊपर अच्छे से छानबीन नहीं होती तब तक पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर इसके पीछे जो कोर प्रॉब्लम है वो है क्या। तब तक मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल के जेल में ये सब जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर आप क्या सोचते हो, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसको सही कैसे किया जा सकता है। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको वापस रिमाइंड करना चाहूंगा कि अपने ड्रीम जॉब के लिए डोंट फॉरगेट टू साइन अप ऑन नेक्स्ट लेवल ऐप।